बैक टू स्टॉक मार्केट हिल। आज की वीडियो रहने वाली है सेपक, चाहे इसको सेपक बोल लीजिए चाहे सेप को बोल लीजिए, आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो रहने वाली है सेपक लिमिटेड के बारे में। 13.50 रुपये पर आज क्लोजिंग हुई है, इसमें माइनस हमें देखने मिला है। 45 पैसे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल गई है। इसका हम फंडामेंटल देखेंगे, यहाँ से स्टॉक जाना चाहिए अपसाइड या डाउन साइड ये भी हम जानेंगे, कंपनी काम क्या करती है टारगेट जानेंगे, हर चीज़ जानेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जा सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सेपक का फंडामेंटल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है स्मॉल कैप है, आरओसी आरओई माइनस में, यानी कंपनी जो है यहाँ पे फैक्टर एक दो फैक्टर नेगेटिव हैं। बुक वैल्यू की तुलना में कह सकते हैं डबल के आसपास है, 15.90 रुपये का हाई है। इसमें मोमेंटम क्यों आया है वो भी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। कंपनी का काम देखिए, कंस्ट्रक्शन, वाटर, वेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब जो आपने देखा नहीं था कि कौन सी कंपनी अभी आई थी, मुझे नाम तो अभी याद नहीं है, अब एक सेकंड पॉज करके मैं आपको बताता हूँ कौन सी कंपनी थी। हाँ याद आ गया, विष्णु आर प्रकाश पुंगलिया, ये जो आईपीओ आया था ना इसमें भी सेम काम था, वाटर ट्रीटमेंट और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब काम जो है उनका भी था और ये सेपक लिमिटेड का भी। इसका जो फुल फॉर्म है देखेंगे, श्रीराम ईपीसी लिमिटेड। अब आप इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप इसके नंबर देखेंगे, एक सेकंड, क्वार्टरली बेसिस पे नंबर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर हमें इंप्रूव होते हुए देखने मिले। ऑलमोस्ट यहाँ से जून 2022 तक कंपनी की सेल्स काफ़ी ज़्यादा धराशायी हो गई थी, 60 करोड़ के आसपास केवल सेल्स आई थी, वहाँ से कंपनी ने इंक्रीमेंट किया और वापस से कम बैक किया 143 करोड़ की सेल्स पे। प्रॉफिट कंपनी को यहाँ पे कितना हुआ है अगर आप देखेंगे तो अधिकतर तो कंपनी का लॉस हुआ करता है, देखेंगे यहाँ से लगातार लॉस है लगातार, फिर यहाँ पे 2 क्वार्टर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंपनी का जो कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट आ जाता है, कभी कभी फिर लॉस आ जाता है। तो कंपनी का फंडामेंटल उस उद्देश्य से देखें, मतलब अगर हम लंबे समय में देखें तो कंपनी बहुत अच्छा भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आरओसी आरओई भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी के जो दूसरे पॉइंट है वो निगेटिव है। सेल्स देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 2012 में अच्छी थी लेकिन अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रोथ होना चाहिए लेकिन यहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कुछ फंडामेंटल खास मुझे लगा नहीं है। मैक्सिमम टाइम तो उस कंपनी को लॉस हुआ है और अब की बार 2023 में भी कंपनी को 5 करोड़ का लॉस हुआ है। बाकी दूसरे फैक्टर देखेंगे, सेल्स, प्रॉफिट सब माइनस में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अचानक से बढ़ी थी लेकिन फिर से इन्होंने होल्डिंग कम कर दी है, तो मतलब प्रमोटर भी यहाँ से पीछे हट रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं। बाकी एफआई की होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़ी है, डीआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी थी 65% के आसपास भी, अभी कितनी है 39, तो डीआई भी यहाँ से पीछे हट रहे हैं। केवल होल्डिंग किसकी बढ़ रही है, होल्डिंग छोटी सी बढ़ी है एफआई की और काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी है पब्लिक की। पब्लिक को यहाँ पर सिंपल से कह सकते हैं कि जो भी शेयर्स हैं वो दिए जा रहे हैं, तो पब्लिक शेयर रखेगी तो मतलब क्या होगा, जब भी ऐसा होता है लॉस कराना होता है, जब भी कंपनी, जब भी प्रमोटर छोड़ते हैं कंपनी को तो कहीं ना कहीं पब्लिक को अपना सारा जो शेयर्स है क्वांटिटी वो दे देते हैं, ऐसा ही हमें देखने मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी यहाँ से चली जाएगी, डीलिस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अक्सर हमने जो देखा पॉइंट वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत ज़्यादा मजबूती अभी के समय देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ से स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल इसी के बीच में मार्केट ने खेला है। यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ था, यहाँ पे भी खेला था मार्केट ने और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन टूटी है तो स्टॉक पे काफ़ी अच्छी गिरावट हुई। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जो है ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाली है और स्टॉक फिर से नीचे आने वाला, तो ये एक अच्छा समय एग्जिट करने का। लेकिन अगर ये हाई क्रॉस होता है तो स्टॉक अपसाइड भी जा सकता है। बाकी आपको बताया ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं कैसे, भले कंपनी माइनस में रहेगी लॉस में रहेगी लेकिन अगर ऑपरेटर चाहेंगे तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टेक्निकल बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पे आरएसआई के ऊपर भी रहेगा स्टॉक, देखिए आरएसआई के ऊपर भी रहेगा फिर नीचे भी आ जाएगा फिर अचानक ऊपर चला जाएगा, तो आरएसआई से कोई कंफर्मेशन आप ले नहीं सकते यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको साइकोलॉजिकल तरीके से देखेंगे, कंपनी करना क्या चाहती है, कंपनी का फंडामेंटल से समझेंगे, डिमांड सेक्टर में है या नहीं उससे समझेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मेरे हिसाब से अभी एक अच्छा एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो सौदा है 8 रुपये से 14 रुपये 16 रुपये तक जा चुका है, डबल तो हो ही चुका है। तो अब अगर इसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी निकालते हैं या फिर प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक भी पड़े हुए हैं, ऐसे कंपनी को बाय करने का क्या फ़ायदा ना जो कंपनी प्रॉफिट में भी ना हो। मतलब पूरा अगर जुआ ही खेलना है तो भाई अच्छे से आप जुआ खेलिए, टॉस वाला खेलिए, कॉइन वाला खेलिए, ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना एक जुए के बराबर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो भी कहना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। बाय करना है सेल करना है ये आपके ऊपर है डिसीजन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी बटन छूटना नहीं चाहिए, जितने बटन आपको दिख रहे हैं केवल डिसलाइक को छोड़ करके सारे बटन प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चलिए एंड करते हैं वीडियो को।